एक बड़ी खबर आपको दे दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा अपडेट। 71वें दिन भी यूक्रेन के शहरों पर रूसी कहर जारी है। यूक्रेन के कई शहरों में खतरे के सायरन बज रहे हैं। जैसे जैसे 9 मई नजदीक आ रहा है, रूसी बमबारी तेज हो रही है। रूस यूक्रेन के कई शहरों में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। डोनेस्क में रूस की भारी बमबारी हुई है। तेल डिपो में भयंकर आग लगी है और भीषण तबाही डोनेस्क में हुई है। कीव में यूक्रेनी सेना ने रूसी फाइटर को गिराने का दावा किया है। तो कीव में यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। कोशिश यही है कि कीव को रूसी कब्जे से बचा लिया जाए। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डोनेस्क, खार्कीव और लवीव की। डोनेस्क में धमाका हुआ जिसके बाद भीषण तबाही वहां पर देखने को मिली। खार्कीव में भी ब्लास्ट के बाद तबाही के निशान नजर आए। लवीव में भी भारी तबाही हुई है। पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। खार्कीव में एक बच्चों के पार्क में जोरदार धमाका हुआ। वहीं डोनेस्क में रूसी फौज ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं, जबकि डिनिप्रो में भी रूसी मिसाइलों के टारगेट पर रही रेलवे की संपत्ति। कीव में यूक्रेनी सेना ने रूसी फाइटर को उड़ा दिया। 71वें दिन भी यूक्रेनी शहरों पर रूसी कहर जारी है। जैसे जैसे 9 मई नजदीक आ रहा है, रूस की तरफ से हमले तेज होते जा रहे हैं।